नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में धर्मांतरण कराने वाले एक रैकेट का खुलासा हुआ है। यूपी एटीएस ने इस केस में दो मौलानाओं को गिरफ्तार कर लिया है। बीते दो साल से चल रहे धर्मांतरण के इस रैकेट में मूक बधिर बच्चों और महिलाओं का धर्म परिवर्तन करा दिया जाता था। अब तक ये रैकेट 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन करा चुका है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक विदेशी फंडिंग से चल रहे इस रैकेट में 100 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार मंगलवार को गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों की बैठक की मेजबानी करेंगे। इस बैठक को 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले विपक्षी अलायंस बनाने की कोशिशों का हिस्सा माना जा रहा है। वहीं सोमवार को शरद पवार से एक हफ्ते में दूसरी बार चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मुलाकात की है। शरद पवार से प्रशांत किशोर ने उनके दिल्ली आवास पर मुलाकात की। सोमवार को हुई ये बैठक करीब 3 घंटे चली। ये मुलाकात विपक्षी दलों की शरद पवार के घर पर होने वाली मीटिंग से पहले हुई है। कोरोना मृतकों के परिजनों को मुआवजा से इंकार पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तंज कसा। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि जीवन की कीमत लगाना असंभव है। सरकारी मुआवजा सिर्फ एक छोटी सी सहायता होती है, लेकिन मोदी सरकार ये भी करने को तैयार नहीं। कोविड महामारी में पहले इलाज की कमी, फिर झूठे आंकड़े और ऊपर से सरकार की क्रूरता। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के करीब 50 नेताओं को खुद फोन करके चुनाव लड़ने के लिए हरी झंडी दे दी है। प्रियंका गांधी ने साफ कह दिया है कि चुनाव की तैयारी करें, टिकट आपका कंफर्म है। इसी के साथ 2017 में जीते 7 में से 5 विधायकों को भी चुनाव लड़ने की हरी झंडी दी गई है। प्रियंका ने इन सभी नेताओं से कह दिया है कि वो पूरा फोकस अपने क्षेत्र पर रखें और लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करें। हाईकमान की हर तरह की कोशिश के बावजूद नवजोत सिद्धू अमरिंदर सिंह की प्रधानी को मानने को तैयार नहीं है। सोमवार को सिद्धू फिर फॉर्म में नजर आए। उन्होंने हमेशा की तरह कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं शोपीस नहीं हूं, जो केवल चुनाव में इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने फिर दोहराया कि वो उनके बॉस केवल राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल सोमवार को अमृतसर पहुंचे। यहां अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में पूर्व आईपीएस विजय प्रताप सिंह ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के लिए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम लोग पार्टी में इस पर मंथन कर रहे हैं, लेकिन जो भी होगा वो एक सिख चेहरा ही होगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारा उम्मीदवार वो होगा जिस पर हर कोई गर्व करेगा। आईटी के नए नियमों को लेकर संयुक्त राष्ट्र के कुछ एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाए। इस सवाल का जवाब तुरंत भारत सरकार ने भेजा है। भारत सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि नए आईटी नियमों के संबंध में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर जताई गई चिंताएं बिल्कुल वाजिब नहीं है। देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल होने की वजह से ऐसा करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को बोर्ड परीक्षाओं और मूल्यांकन संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सीबीएसई बोर्ड ने कहा कि हम पूर्व घोषित मूल्यांकन नीति से रिजल्ट तैयार कर रहे हैं। परिणाम 31 जुलाई तक घोषित कर दिए जाएंगे। मूल्यांकन और रिजल्ट से असंतुष्ट छात्रों को मध्य अगस्त से सितंबर के बीच परीक्षाओं में हिस्सा लेने का मौका दिया जाएगा। कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस साल भी अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी गई है। पिछले साल भी कोरोना के चलते अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी गई थी। हालांकि श्रद्धालु 28 जून से ऑनलाइन दर्शन कर पाएंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना प्राथमिकता है। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। शुरुआती कारोबार में ये लाल निशान पर खुला था, लेकिन अंत में बाजार में रौनक लौटी। सेंसेक्स 230 अंकों पर 52,574 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 63 अंक यानी 0.40% की बढ़त के साथ 15,746 के स्तर पर बंद हुआ।